मिनिस्टर दोनों से मेरी भेंट नहीं हुई थी क्योंकि प्रदेश की सारी जानकारियाँ उनको देना हमारा काम रहता है। तो आज मुख्य रूप से दो ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी भारी तैयारियाँ और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में सब उन्होंने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ चल रही है वो भी ताज़ा स्थिति उनको अवगत कराई है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद उनको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बताएंगे, वैसे आगे बढ़ेंगे। सर वो हिसार वाले को लेकर तमाम जो अच्छे से बयान आए कि भाई कम से कम एक हॉस्पिटल का तो विरोध नहीं करना चाहिए था, सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और नेताओं की बातचीत हो गई जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते आगे कैसे करते हैं। सर हरियाणा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, किसानों से अपील की जा रही थी कि आप बॉर्डर्स पर बैठे हैं, वैक्सीनेशन करा लीजिए, हरियाणा सरकार आपकी मदद करे। सब बातें तो हमारी अपनी है प्रदेश की, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में सारे विषय की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों का हल निकलेगा कोई ना कोई। ऐसे ही कोरोना के विषय को लेकर के खास करके जो ब्लैक फंगस की बात उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि दवाई हम रिपोर्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट करने के बाद इसको ठीक डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, ऐसा विश्वास जताया।